स्टूडेंट्स, आज हमारे पास टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। कल हमने वायरस का इंट्रो किया था, इंट्रोडक्शन किया था। आज हमने वायरस की स्ट्रक्चर की डिटेल देखनी है। तो इसके अंदर वायरस की एक कैटेगरी है वायरियन। वायरस का तो हमें पता है कि वायरस क्या चीज है। वायरस इज अ प्रोटीनियस कोड स्ट्रक्चर आर बॉडी हैविंग नॉन लिविंग इन आउटर एनवायरनमेंट एंड लिविंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बॉडी ऑफ होस्ट एंड कॉजेस डिजीजेस। तो ये था वायरस, और इसके अंदर डीएनए और आरएनए पे मुश्तमिल होता है। लेकिन वायरियन, वायरियन एक खास किस्म है वायरस की। तो बायोलॉजिकली वायरियन से क्या मुराद है? कंप्लीट मैच्योर एंड इन्फेक्टियस वायरस इज नोन एज वायरियन। वायरस की वो किस्म जो कि मैच्योर है और बीमारी फैलाने के काबिल है, इन्फेक्टियस है, उसे क्या कहेंगे? वायरियन। आगे है हमारे पास टॉपिक मेन पार्ट्स ऑफ वायरियन। तो एक जो वायरियन है उसके मेन पार्ट्स क्या है, उसकी स्ट्रक्चर किससे ऑर्गेनाइज हुई है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रक्चर के हवाले से जो चीज है वो है सेंट्रल कोर। तो सेंट्रल कोर से मुराद जो है वायरल या वायरियन का वो हिस्सा है जो कि उसका हेड रीजन है, जहां पे उसका डीएनए, आरएनए या वो जेनेटिक मटेरियल मौजूद है, उसे क्या कहते हैं जी? सेंट्रल कोर। उसके बाद नेक्स्ट कैप्सिड एंड कैप्सोमियर्स। तो कैप्सिड इज द प्रोटीन कोट, द प्रोटीन कोट और प्रोटीनियस स्ट्रक्चर ऑफ अ वायरस इज नोन एज कैप्सिड। कैप्सोमियर क्या चीज है? दैट इज द कॉम्प्लेक्स टर्म दैट इज ओरिजिनेट फ्रॉम कैप्सिड। अ सिंगल कैप्सिड ऑफ अ वायरस इज कंसिस्टिंग ऑफ मेनी स्मॉलर यूनिट ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर इज नोन एज कैप्सोमियर। समझा की बात की? नेक्स्ट है द एनवेलप। तो वायरस की कुछ मखसूस टाइप्स हैं, एग्जाम हैं, जो कि बकायदा प्रोटीनियस कोट के बाद इनवेलप पर मुश्तमिल है। तो द एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन और इनवेलप, इनवेलप्ड स्ट्रक्चर ऑफ वायरस इज नोन एज द इनवेलप। ठीक है, उसके बाद है शेप ऑफ वायरसेस। तो हर जो वायरस की टाइप है वो वेरी करती है, इसके अंदर मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, तो वो हम देखते हैं ये टाइप्स हैं। तो इसके अंदर पहली है पॉलीहेड्रॉन, पॉलीहेड्रॉन। तो ये पॉलीहेड्रॉन जो शेप है ये मुख्तलिफ डाइमेंशनल है, 8 कॉर्नर है या 10 कॉर्नर है या 12 कॉर्नर है, तो इसके बहुत सारे कॉर्नर्स होते हैं, तो ये मुख्तलिफ शेप्स हैं इसकी। उसके बाद है हेलिकल एंड स्पाइरल। हेलिकल का तो पता है, ये स्पाइरल का पता है, स्प्रिंग नुमा जिस तरह डीएनए की शेप है, तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर होगी उसे क्या कहेंगे? हेलिकल एंड स्पाइरल। नेक्स्ट है इनवेलप। इनवेलप में तो वो सारे आ जाते हैं, आगे हम स्ट्रक्चर देखेंगे। तो इनवेलप में वायरस की वो किस्म आ जाती है वो मुकम्मल तौर पर मेम्ब्रेन क्लोज्ड होते हैं, ढके हुए। कंप्लेक्स, कंप्लेक्स में ये दो तीन चार टाइप्स हैं, इनके मिलने से जो स्ट्रक्चर बनती है उसे क्या कहते हैं? कंप्लेक्स। इनवेलप भी हूं, पॉलीहेड्रॉन भी हूं, और हेलिकल शेप हो एंड पे उनकी, जिस तरह टोबैको मोजैक वायरस है। उसके बाद है जी बैक्टीरियोफेज। अब बैक्टीरियोफेज कौन से वायरस हैं? जो बैक्टीरिया को ईट करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इनकी भी आगे दो टाइप्स हैं, इनके अंदर एक कैटेगरी है क्यूबिकल, क्यूब शेप, और दूसरी है हेलिकल, जो कि हम जान चुके हैं। तो ये मेन स्ट्रक्चर्स है। आगे दो एग्जांपल्स हैं ताकि आपको समझ आ जाए, इनकी स्ट्रक्चर मैंने ड्रा की हुई है यहां पे। तो यहां पे फोकस करें, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है किसकी? इन्फ्लुएंजा वायरस की। ये एक इनवेलप्ड वायरस की आपके सामने स्ट्रक्चर है, इन्फ्लुएंजा वायरस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है टेंटिकल से बने हुए आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर, इन्हें क्या कहते हैं जी? लिपिड बायलेयर और प्रोटीन लेयर्स। ठीक है, तो ये इनको प्रोटेक्ट करते हैं, इन्हें टूटने से या किसी होस्ट की बॉडी से डैमेजिंग से बचाते हैं। उसके अंदर ये इनका डीएनए और आरएनए है, और इनका ये ऊपर मुकम्मल जो है ये प्रोटीन कोट है, और इनकी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। तो ये एक इन्फ्लुएंजा वायरस है जो कि नजले जुकाम का बायस बनता है, इन्फ्लुएंजा का। तो ये है स्ट्रक्चर जी आपकी एक इनवेलप्ड वायरस की, और ये है हमारे पास फेज वायरस। ठीक है जी, फेज वायरस है, आम वायरस है, सादा किस्म का वायरस है। तो ये हेक्सागोनल फॉर्म में है, हेक्सागोनल।
इसका हेड जो है हेक्सागोनल, ये डीएनए और आरएनए यहां पे इसके मौजूद है, ये इसका कॉलर या नेक है, ये इसकी टेल है, और यहां पे इसका स्टिंग होता है जिसके जरिए ये होस्ट की बॉडी पे क्या नाम है पेनिट्रेट कर जाता है, और ये इसकी लेग्स हैं या टांगे हैं जिनके जरिए इसने ऊपर एड्सॉर्प्शन का काम करना है। तो ये है जी आपके पास फेज वायरस, ठीक है। तो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। और नेक्स्ट है हमारे पास एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड, प्रियॉन्स, प्रियॉन्स, ठीक है, क्या है प्रियॉन्स, प्रायोन्स भी पढ़ते हैं, प्रियॉन्स भी पढ़ते हैं। तो 1985 में, 1985 में साइंटिस्ट जब वर्क कर रहे थे तो उनके सामने माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने जब मुशाहिदा किया तो एक प्रोटीन पार्टिकल था जो कि इन्फेक्टियस था, तो वो था प्रियॉन्स। द इन्फेक्टियस प्रोटीन स्ट्रक्चर इज नोन एज प्रियॉन्स। ना तो ये वायरस था, सिर्फ और सिर्फ सादा प्रोटीन स्ट्रक्चर की इस, और खास बात यह है कि इसका कोई डीएनए भी नहीं है और आरएनए भी नहीं है, लेकिन बीमारी काज करता है, और बीमारी ह्यूमन बीइंग में जो कॉमन है मैड कॉ डिजीज, पागलपन की बीमारी कह ले, मैड कॉ डिजीज, तो ये ह्यूमन बीइंग्स में कॉमन है। तो इसकी अपनी ना कोई डीएनए ना आरएनए, और अभी तक इसके बारे में कोई डिटेल नहीं मिल सकी, इसके बारे में कोई डिटेल मालूम नहीं हो सका। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये जो हमने पढ़ लिया स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, दैट इज द इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका ये टॉपिक था, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। मेरे ये वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।